बहुत सुंदर यादें हैं और बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। आप मुझे वो दो या तीन चीज बता सकते हैं जो आपने सीखी और लाइफ टाइम के लिए अपने पास आपने रख लिया है और फॉलो ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक मेमोरी एक शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था पहली बार, आई रिमेंबर गोइंग इन टू अ थिएटर इन इंटीरियर तमिलनाडु एंड मैं एक तभी ना थिएटर में जगह नहीं बची थी, बट वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ, सो दे एक्चुअली पुट अ स्टील का चेयर फॉर मी सो आई कुड सिट एंड वॉच रजनी सर ऑन स्क्रीन। एंड मैंने पहले दस मिनट फिल्म देखी नहीं क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था बिकॉज क्योंकि लोग सिर्फ यू नो अलग अलग चीज़ें उड़ा रहे थे। स्क्रीन वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड दैट इज़ द हिस्टेरिया ही इज़ हैड इन मूवी थिएटर्स। एंड मैं एक स्टील के चेयर पर बैठ के मैंने फिल्म देखी है, सो आई कैन नॉट टेल यू दैट टुडे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म and take it to even the audiences here in Mumbai. And yeah, उनसे ये तो सीखा है मैंने कि हमेशा लोगों का आदर करना चाहिए। वो अपने फैंस को बहुत ज़्यादा अक्नॉलेज करते हैं, प्यार देते हैं। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी फैन को अवॉइड नहीं किया या उन्हें अटेंशन नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ऑडियंसिस के प्यार के वजह से ही उनका आज ये इतना बड़ा दर्जा है। तो एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर ये उनसे मैंने सीखा है और मैं चाहूँगी कि जब जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ मैं उनको प्यार दे सकूँ बिकॉज उन्होंने हमें प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया है। सो दैट समथिंग आई टेक एंड कीप इट विद माई इन माई हार्ट। या तमन्ना या 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 स्टेज स्टेज या